हेलो दोस्तों, यह मेरा पहला पॉडकास्ट है और मेरे पहले पॉडकास्ट का टॉपिक है मौका। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इट डज नॉट मैटर व्हाट्स योर ड्रीम, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर डिफिकल्टीज, इट डज नॉट मैटर कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप लंबे हो या गोरे हो, काले हो, छोटे हो, फिर बाल सफेद हो या काले। इट डज नॉट मैटर हाउ बैड यू फील, इट डज नॉट मैटर हाउ लोनली यू आर, बिकॉज अ लायन इज नेवर अलोन। एक शेर को अकेला रहना ही पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट रिमेम्बर यू हैव नॉट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज बचती है, वह है मौका। उन सब खोई हुई चीजों का, उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। एंड इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व दोस थिंग्स, यू मस्ट हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटीज। जिंदगी का मतलब है गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना। इफ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटीज देन दिस इज द परफेक्ट टाइम। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं रही। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं हैं, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कार नहीं है, तो ढूंढना, आपके शहर में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज्यादा मुश्किल वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लाइफ इज नेवर बीन इजी फॉर एनीवन, लाइफ इज हार्ड, बट व्हाई डोंट यू एग्री दैट यू आर हार्डर देन लाइफ। आप अपनी मुश्किलों से बड़े हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सके। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी असफलताओं का कारण दुनिया है, गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, किस्मत खराब है, लेकिन ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है कि उनके बुरे हालातों के जिम्मेदार वे खुद हैं। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप खुद चला रहे हैं उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है जिंदगी, जिसके ड्राइवर आप खुद हैं।
आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हैं। आप खुद हैं जो आपकी जिंदगी को 100% बदल सकते हैं। अपने अंदर जाके और भेड़चाल से बाहर निकलने की जरा सी हिम्मत तो कीजिए। फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का, अपने सपनों का इकलौता मालिक। हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का, अपने सपनों का इकलौता मालिक। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिनकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ये तेरे पंख है, इनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही, पर सपना तो सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मशाल तेरी बुझी नहीं किसी भी तूफान से, मशाल तेरी बुझेगी नहीं किसी तूफान से। हारने लगे तो हार जाना वो भी शान से। लड़ना तू ईमान से और पूरी जान से।